यात्रा की स्वतंत्रता तीन विशिष्ट व्यक्तियों को पासपोर्ट की सीमाओं को पार करते हैं। पासपोर्ट के बिना विदेशी यात्रा करने की अनूठी सुविधा का अद्भुत विचार है, जिसे पिछले 100 सालों में लागू किया गया है। यह अन्यथा देशों में उपाधियों के लिए भी आवश्यक होने वाले पासपोर्ट की आवश्यकता को अनदेखा करता है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री। यह विशेष उन तीन व्यक्तियों के लिए है जिनके लिए विशेष यात्रा बिना पासपोर्ट के संभव है। आइए हम इन अनोखे विषय पर गहराई से विचार करें और उन अप्रतिम यात्री व्यक्तियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। इस विशेष तीन व्यक्तियों के सूची में ब्रिटेन के राजा, जापान के सम्राट और रानी शामिल हैं। यह अद्वितीय सुविधा पहली बार रानी एलिजाबेथ को प्रदान की गई थी, लेकिन चार्ल्स के राज्य अभिषेक के साथ उनको भी इसका अधिकार हासिल हुआ। चार्ल्स के राज्य अभिषेक के बाद उनके सचिव ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से सभी देशों को एक अधिकृत संदेश भेजा, जिसमें ब्रिटेन के नए राजा चार्ल्स को उनके अधिकार सफर के लिए बिना किसी पाबंदी के सम्मानपूर्ण रूप से आचरण करने की अनुमति दी गई थी। देखिए, जापान में वर्तमान समय में सम्राट हिरोनोमिया नारुहितो हैं, जबकि उनकी पत्नी मसाको ओवाडा जापान की महारानी है। राजनीति के इतिहास में हमें पता चला है कि 1971 में जापान के विदेश मंत्रालय ने सम्राट और महारानी के लिए एक विशेष व्यवस्था की थी, जिसके अनुसार उन्हें बिना पासपोर्ट के विदेशी यात्रा करने की अनुमति थी। इस व्यवस्था के अनुसार जापान दुनिया भर के सभी देशों को अधिकार पत्र भेजता है, जिसमें सम्राट और महारानी को बिना पासपोर्ट के अपने देश में आने की अनुमति होती है, और इस पत्र को पेश करके पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी जाती है। हालांकि सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और उन्हें विदेशी देशों में प्राप्त होने वाला अधिकृत पासपोर्ट दिया जाता है, जिसमें विभिन्न अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यह प्रमुख व्यक्तियों को प्रवास विभाग के अधिकारियों के सामने हाजिर होने से बचाता है और सुरक्षा जांच और अन्य प्रतिक्रियाओं से मुक्ति प्रदान करता है। देखिए, भारत में ऐसी विशेष स्थिति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उपलब्ध है। इन तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बिना पासपोर्ट के विदेशी यात्रा करने का विचार राजनीति के प्रोटोकॉल का एक रोचक पहलू है। हालांकि एक रोचक सवाल यह है कि क्या केवल इन तीन व्यक्तियों को ही ऐसा अधिकार प्राप्त है, या फिर यह अनुमति अन्य देश के विशेष व्यक्तियों को भी मिलनी चाहिए? क्या यह पासपोर्ट बिना किसी दस्तावेज के प्रतिबंधित क्षेत्र में भी जा सकता है? क्या आपको पता है इस बारे में? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। की चिंतावानों के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए परेशानी की चर्चा करने वाले लोगों के लिए भारत एक आशा का किरण बना। आज भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूरे विश्व में उसकी अगुवाई कर रहा है। आज कोई भी हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं पर भी पैर रखता है तो विश्व का हर देश उसका स्वागत करने के लिए लालायित होता है। उसकी आंखों में एक चेतना आ जाती है हिंदुस्तानी को देख करके। भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। हर भारतीय के आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा, नया उमंग लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प कैदा किया है। मेरे प्यारे देशवासी, विश्व में कहीं पर भी अगर मेरा हिंदुस्तानी संकट में है तो आज उसे भरोसा है कि मेरा देश मेरे पीछे खड़ा रहेगा, मेरा देश संकट के समय में मेरे साथ आ जाएगा।